लक बाय चांस एपिसोड 196 फटी ड्रेस। प्रियंका अपने प्लान के हिसाब से रेड कारपेट पर डिंपल की ड्रेस फाड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जल्द ही डिंपल बात को संभाल लेती है। वहीं वरुण डिंपल को टीवी पर देखकर उसी वक्त इवेंट हॉल में पहुंचता है और उदित के साथ पार्टी में एंट्री लेता है। डिंपल जिस कास्टिंग एजेंसी से जुड़ी थी, वरुण ने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसीलिए आज एजेंसी की 25वीं सालगिरह पर वरुण को भी वहां जाने का इनविटेशन आया था, लेकिन वरुण को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब तक उसे डिंपल को टीवी पर देखने के बाद उसमें इंटरेस्ट आया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। शाम के ढलने के साथ ही आज के शानदार इवेंट की शुरुआत हो चुकी थी और एक के बाद एक कई बड़े सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स ने रेड कार्पेट पर चलना शुरू कर दिया था। एजेंसी के इंतजाम के हिसाब से सभी बड़े स्टार्स को बड़ी और शानदार कारें दी गई थी रेड कारपेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन डिंपल और उसके जैसे नए उभरते स्टार्स को उन्हीं शानदार कारों को एक और स्टार के साथ शेयर करके वेन्यू तक पहुंचना था। इस वक्त डिंपल के साथ उसकी कार में प्रियंका भी थी, जो उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी, और उसने डिंपल को सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए निधि और टीना के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था वो अब तक उसके हिसाब से ही चल रहा था। जल्द ही डिंपल और प्रियंका की कार रेड कारपेट के सामने जाकर रुकी और कार से बाहर निकलने से पहले नर्वस और एक्साइटेड डिंपल ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। डिंपल का पहले कार से निकलना तय था, जो प्रियंका के प्लान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, इसीलिए उसने भी मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली। कुछ ही सेकेंड्स में काली लग्जूरियस कार का दरवाजा खुला और डिंपल ने बड़ी नजाकत से सबसे पहले अपने हील्स पहने हुए पैर बाहर निकाले और फिर अपने ब्लू कलर के पीकॉक गाउन को ध्यान से पकड़े हुए वो कार से बाहर निकली। उसके बाहर आते ही रेड कारपेट शुरू होने से पहले सेलिब्रिटीज के ड्रेस को कारपेट के हिसाब से अरेंज करने के लिए खड़े दो असिस्टेंट्स डिंपल की मदद के लिए आगे आते हैं और उसके रेड कारपेट पर खड़े होने के बाद ही सारे कैमराज उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और वो दोनों असिस्टेंट्स के साथ मिलकर अपनी ड्रेस सही करने के बाद फोटोग्राफर्स को पोज देने लगती है। ये डिंपल की जिंदगी के सबसे हसीन लम्हों में से एक था, जिसे वो पूरी तरह से जी लेना चाहती थी। इसीलिए कुछ देर में थोड़ी शांत और कंफर्टेबल होने के बाद, जब उसने असिस्टेंट्स के कहने पर रेड कारपेट पर चलने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया, तभी उसे अपने पीछे से किसी कपड़े के फटने की आवाज आई। आवाज सुनते ही डिंपल की आंखें फट गई, क्योंकि उसे बिना पीछे पलटे इस बात का एहसास हो गया था कि ये आवाज उसके अपने ड्रेस के फटने से हुई है। अपने ड्रेस के फटने का ख्याल ही डिंपल को दहला देने के लिए काफी था। फिर भी इस वक्त जितने कैमराज उसके सामने उसकी एक गलत तस्वीर लेने के लिए तैनात खड़े थे, उन्हें देखते हुए डिंपल बहुत आराम से पीछे मुड़ी और सबसे पहले ये चेक किया कि कहीं उसकी ड्रेस किसी ऐसी जगह से तो नहीं फटी है जिससे कि वो अनकंफर्टेबल हो। ऊपर से नीचे तक अपनी ड्रेस को देखने के बाद डिंपल को तसल्ली हो गई कि उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और ड्रेस का सिर्फ वही हिस्सा फटा है जो उसके पीछे तक कारपेट पर बिछा हुआ था। डिंपल सोच रही थी कि अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है, तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़ी प्रियंका पर पड़ी, जिसका पैर उसकी ड्रेस पर रखा था। डिंपल की नजर अपने पैरों पर देखकर प्रियंका ने नाटक करते हुए कहा, ओह आई एम सो सॉरी डिंपल, गलती से मैंने तुम्हारी ड्रेस पर पैर रख दिया, मेरा ध्यान ही नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए प्रियंका के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, जिसे देखने के बाद डिंपल समझ गई कि ये सब प्रियंका ने जानबूझकर किया है। प्रियंका ने डिंपल से जानबूझकर ऊंचे आवाज में माफी मांगी थी, ताकि वो सारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन का ध्यान डिंपल की तरफ खींच सके, और वो उसमें कामयाब भी हो गई थी। इस वक्त डिंपल के पास खड़े दोनों असिस्टेंट्स हैरानी के कारण अपने मुंह पर अपना हाथ रखे खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें। असिस्टेंट्स डिंपल को परेशान देखकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रियंका की मदद करनी थी और उन दोनों को ऐसी दुविधा में फंसे हुए देखकर डिंपल ने बहुत प्यार से उनसे कहा, आप दोनों प्रियंका की हेल्प करो, तब तक मैं देखती हूँ कि मुझे मेरी ड्रेस के साथ क्या करना है। डिंपल की बात सुनकर दोनों असिस्टेंट्स आगे बढ़ गए, लेकिन सारे कैमराज अभी भी डिंपल पर टिके हुए थे। इस वक्त रेड कार्पेट का लाइव टेलीकास्ट मेन इवेंट के हॉल में ही हो रहा था और वहाँ डिंपल के साथ हुई इस घटना को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। आखिरकार कुछ मिनट्स वहीं अपनी फटी हुई ड्रेस को देखते हुए जब डिंपल को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने अपने पीछे से ड्रेस के फटे हुए हिस्से को उठाया और नीचे से ऊपर फाड़कर अपनी ड्रेस से अलग कर दिया। और इतना ही नहीं, अपने पास खड़े असिस्टेंट से एक
थ्रेड सीजर लेकर अपने गाउन को अपने पैर के ऊपरी हिस्से तक काट लिया, जिससे कि उसकी लंबी खूबसूरत टांगे दिखने लगे। डिंपल के इस कॉन्फिडेंस को देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन इस वक्त जो इंसान दंग था वो था टीवी पर डिंपल को ये सब करता हुआ देखता वरुण। वरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि इस वक्त डिंपल को उसकी जरूरत है। उसके बाद तो वरुण ने आओ देखा ना ताओ और अपनी कार की चाबी उठाकर फ्लैट से निकलता हुआ उदित को कॉल करने लगा। डिंपल की एक झलक देखने के बाद वरुण समझ गया कि वो इस वक्त कितनी परेशान और अकेली है, इसीलिए वो जल्द से जल्द उसके पास पहुंच जाना चाहता था या कम से कम कुछ ऐसा कर देना चाहता था जिससे उसकी मदद हो जाए। लेकिन उदित इस वक्त उसका कॉल नहीं उठा रहा था। अब तक वरुण को पता चल चुका था कि आज का इवेंट कहाँ हो रहा है, इसलिए वो सीधे वहाँ पहुँचा। लेकिन क्योंकि आज यहाँ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आए हुए थे, इसलिए सारी कार्स को मेन गेट पर ही रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से मेन गेट के बाहर काफी लंबी लाइन लगी थी और वरुण उस लाइन में बहुत पीछे था। कार में बैठे हुए वरुण से इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपनी कार से उतरा और गेट पर खड़े मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस इवेंट हॉल का मैनेजर वरुण को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसने उसे देखते ही गले लगते हुए कहा, अरे वरुण तुम यहाँ कैसे? और फिर अपने बेतुके सवाल पर अपना सर पीटता हुआ कहता है, मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, साल का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा रहा है इस पार्टी को, तुम्हारा यहाँ होना तो बनता ही है, वैसे पार्टी के हिसाब से तुम्हारे कपड़े थोड़े सिंपल नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर वरुण का ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को नजरअंदाज करके अपनी कार की चाबी उसके हाथ में रखता हुआ कहता है, अब कपड़े मैं पार्टी में पहुंचने से पहले बदल लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम ये मेरे कार की चाबी रखो और उसे पार्क करवा देना। ये कहते हुए वरुण इवेंट हॉल की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वो हाफता हुआ मैनेजर के पास वापस आकर उससे पूछता है, अब तुम्हारे पास उदित की सेक्रेटरी का नंबर होगा, वो अपना फोन नहीं उठा रहा है। वरुण को इतना परेशान और जल्दबाजी में देखकर उसी वक्त मैनेजर वरुण को उदित की सेक्रेटरी का नंबर देता है और वरुण उसे कॉल करता हुआ एक बार और दौड़ लगा लेता है। उदित की सेक्रेटरी के पास वरुण का नंबर पहले से सेव था, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक था, इसीलिए उसने झट से फोन उठाकर अंग्रेजी में कहा, यस सर, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इस पर वरुण कहता है, मुझे उदित से बात करनी है अभी इसी वक्त। वरुण को हड़बड़ी में देखकर उदित की सेक्रेटरी इवेंट हॉल में मौजूद एक आदमी को कॉल करती है, जो उसकी उदित से बात करवाता है। सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, इसीलिए वरुण अब सीधे उदित से बात कर सकता था। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, उदित मैं पार्टी हॉल के बाहर खड़ा हुआ, तुम अभी आकर वहां मिलो। उदित ने वरुण को आज के इवेंट में इनवाइट करने के लिए पर्सनली कॉल किया था और उसके ऑफिस में एक बुके के साथ कार्ड भी भेजा था, लेकिन वरुण ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद उसका अचानक इस तरह इवेंट हॉल के बाहर से उसका कॉल करना उदित को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी वो इतने बड़े इवेंट में वरुण जैसे बड़े आदमी से अपनी पहचान होने की बात नहीं छुपाना चाहता था, क्योंकि उसके लिए ये एक अच्छा मौका था अपनी एजेंसी की तरफ और इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचने का, और वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उदित जब इवेंट हॉल के बाहर रेड कार्पेट वाले एरिया से थोड़ा दूर पहुंचा तो उसने वरुण को कैजुअल कपड़ों में खड़े देखा, और वो जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसने उसे अपने साथ खींचकर एक तरफ ले गया और थोड़ा खींचते हुए बोला, क्या है ये वरुण, पहले तो तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया और अब पार्टी में आ भी गए हो तो ऐसे, थोड़ा तो सोचा होता यार, मीडिया वाले मेरे एजेंसी के इन्वेस्टर को ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, कम से कम यहाँ आए हुए इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के बारे में तो सोचो यार, तुम चलो यार मेरे साथ। ये कहने के बाद उदित वरुण को अपने साथ होटल के अपने कमरे में लेकर जाता है, और कमरे में जाते हुए वरुण उदित पर नाराज होता हुआ कहता है, तुम्हें मेरे कपड़े की पड़ी है उदित, और अभी रेड कार्पेट पे जो डिंपल के साथ हुआ उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शुक्र मनाओ कि उसकी ड्रेस सिर्फ नीचे से फटी, अगर उसके साथ और कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? वरुण की ये बात सुनकर उदित उसे समझाता हुआ कहता है, मुझे पता है डिंपल के साथ जो हुआ है वो गलत था, लेकिन अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने तो देखा होगा ना कि डिंपल ने पूरी सिचुएशन को कितने अच्छे से संभाला, उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक रो चुकी होती। डिंपल की बात करते हुए वरुण उदित के साथ उसके होटल के कमरे में पहुंचता है और उदित उसे अपने कमरे में ढकेलता हुआ कहता है,
मेरे लिए जो डिजाइनर सूट्स आए हैं उनमें से कुछ अच्छा सा पहन के आओ प्लीज, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये कहने के बाद उदित ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़ा बेसब्री से वरुण का इंतजार करने लगा। वरुण को इस वक्त डिंपल से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उसने बिस्तर पर रखे पहले सूट को ही उठाया और फटाफट उसे पहनने लगा। वरुण और उदित की हाइट और हेल्थ लगभग एक जैसी थी, इसीलिए वरुण को सूट की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो अपने कन्वर्स शूज पे ही फॉर्मल ड्रेस पहने हुए कमरे से बाहर निकल गया। वरुण ने एक चॉकलेट ब्राउन कलर सूट के अंदर बेज कलर का शर्ट पहन रखा था और नीचे व्हाइट कलर के शूज पहने थे, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। वरुण को अच्छा दिखने के लिए ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं थी। ये देखकर उदित और इम्प्रेस हो गया और उसे अपने साथ पार्टी हॉल की तरफ ले जाने लगा। तभी वरुण अपनी जेब से एक फेस मास्क निकालता है और अपने चेहरे पर लगाता हुआ हॉल में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ डिंपल एक आदमी की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रही है। क्या होगा वरुण का रिएक्शन डिंपल से मिलने के बाद, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।